एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद हाथरस के ब्लॉक सासनी में स्थित खेड़ा रुदायन गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 4 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर है। लगभग 5900 की आबादी व 2800 वोटरों द्वारा इंद्रपाल सिंह कुशवाहा को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 503 राशन कार्ड धारक है। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 204 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गाँव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 56 हैंडपंप लगे हुए हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा 4 खराब हैंडपंपों को भी रिपोर्ट कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 180 विद्युत पोल, 35 विद्युत ट्रांसफार्मर व 15 सोलर लाइट भी लगी हुई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 15 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली, चक रोड व शमशान घाट की बाउंड्री का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 235 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, 35 सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, खेल का मैदान, आंगनबाड़ी केंद्र, पशु चिकित्सालय, पानी की टंकी, विकास केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी ट्यूबवेल, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान रुदायन इंद्रपाल सिंह कुशवाहा, ब्लॉक सासनी, थाना सासनी, जनपद हाथरस। मैंने अपने गाँव में लगभग 15 इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य करा दिया, एक बड़ी नाली बनवा दी। उसके बाद लगभग मनरेगा में 4 संपर्क मार्ग और 4 चक्रों प्रवाह चुका हूँ। मेरी केंद्र सरकार से मांग है, मेरे गांव में खेल का मैदान नहीं है, 4 आंगनबाड़ी हैं, आंगनबाड़ी केंद्र एक भी नहीं है और लगभग 35 सीसी या इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण चाहिए भी, और मरघट के लिए बाउंड्री वॉल चाहिए और समथिंग भी रावा चाहिए। सिंचाई संबंधी नलकूप व्यवस्था होनी चाहिए मेरे गाँव में। मैं केंद्र सरकार से विनती करता हूँ कि मेरे खाते में अधिक धनराशि डालें जिससे कि मैं ये सारे कार्य करा सकूँ, गांव को विकास।